नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे क्रेसेंडा सॉल्यूशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी में आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे आपने टॉप पे कर रखा हो या फिर आपने बॉटम पे कर रखा हो, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह कंपनी कहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा। जिन लोगों ने इस कंपनी को ऊपर प्राइस पे बाई कर रखा है, उनका लॉस पर डे बढ़ता चला जा रहा है, और जो लोग इस कंपनी को बॉटम पे बाई कर रखे हैं, उनका प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी का सपोर्ट लेवल जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो कंपनी कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो दोस्तों आप देखेंगे इसका RSI लेवल 50 का लेवल यह कंपनी ब्रेक करके उसके नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि इसका अगला जो लेवल होगा वो होगा 25 से 30 के बीच में। कंपनी यहाँ पर जाकर जरूर रुकने की कोशिश करेगा। तो कंपनी जैसे ही रुकता है, आप चाहें तो अगर आप प्रॉफिट में हैं और आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था, तो आप चाहें तो बेच सकते हैं या फिर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू अगर आपको करना है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया था, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करें आगे के लिए। जो लोग भी इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने रिस्क को एनालाइज कर लें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लें। उसके बाद आप चाहें तो सपोर्ट लेने के बाद जब यह कंपनी बाउंस बैक करेगा, उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। उससे पहले ना बाई करें, क्योंकि हर एक गिरावट पर आप बाई करने की कोशिश करेंगे तो आप एवरेज करते जाएंगे और यह कंपनी यूँ ही गिरता चला जाएगा। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।